हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अभी जो हाल में जो ऑटोमोबाइल मार्केट है उसमें कई सारी कंपनियां हैं, वो अपनी नई नई कार लॉन्च करती जा रही है कि थोड़े बहुत दिन में एक नई कार लॉन्च हो रही है। तो उसी के साथ साथ अभी जो मारुति है उसने अपनी जो स्विफ्ट है उसको एक नया फेसलिफ्ट देने का फाइनल कर दिया है। तो उसके सारे स्पेसिफिकेशन फाइनल हो चुके हैं कि ये उसको मिलने वाले, उस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो वो आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। उसका मैं आई बटन में या फिर जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें मैं मेंशन कर दूंगा, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि आपको जो न्यू स्विफ्ट आने वाली है फेसलिफ्ट, और अभी हाल की जो स्विफ्ट है उसमें आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल जाएंगे, यानी कि अभी जो स्विफ्ट चल रही है और आने वाले समय में जो उसकी फेसलिफ्ट आने वाली है उन दोनों में आपको क्या डिफरेंस मिल जाएंगे। क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई क्या मिलने वाला है, क्योंकि हम कई लोग कार खरीदने का सोच रहे हैं तो उनको ऐसा दिमाग में होगा कि ये खरीदे या फिर थोड़े महीने रुक जाए और फिर न्यू कार ले, यानी कि न्यू जो कार आएगी स्विफ्ट का न्यू मॉडल वो ले। तो सारा कंफ्यूजन आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, और देर नहीं करते और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो स्विफ्ट है वो मारुति की सबसे बेस्ट सेलिंग कार है, और जो अभी इसकी न्यू फेसलिफ्ट आने वाली है उसमें कई सारे इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट के बारे में जानेंगे और क्या क्या डिफरेंस आपको न्यू और ओल्ड में देखने को मिलेंगे उसके बारे में जानने वाले। तो सबसे फर्स्ट यानी कि पहला टॉपिक है वो है माइनर, इसमें कॉस्मेटिक चेंज देखने को मिल जाएंगे। तो अभी कॉस्मेटिक चेंज में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसमें जो फ्रंट ग्रिल आता है वो ग्रिल आपको इसमें पूरा चेंज किया गया है। इसमें आपको न्यू स्पॉटी मैश टाइप का जो ग्रिल आता है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों, अभी जो एक्सटीरियर में और बात करें तो हुंडई आपको अभी ड्यूअल टोन कलर है वो ऑफर कर रही है। देखो दोस्तों, अभी जो ड्यूअल टोन कलर है वो इस सेगमेंट में सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट टाइम आपको इस प्राइस पॉइंट में ड्यूअल टोन देखने को मिल रहा है। तो हुंडई ऐसा कह रही है कि ड्यूअल टोन के लिए आपको 14,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि बजट इसकी वजह से बढ़ जाता है। लेकिन जब फाइनल होगा यानी कि कार लॉन्च होगी तो देखेंगे उसमें क्या कुछ ऊंच नीच देखने को मिलती है हमें। और दोस्तों, जो ड्यूअल टोन कलर है वो आपको सारे कलर में नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ 3 कलर में देखने को मिलेगा। रेड जिसके साथ ब्लैक रूफ आपको देखने को मिलेगा, फिर वाइट होगा जिसके साथ आपको ब्लैक रूफ मिलेगा, और जो ब्लू कलर होगा उसके साथ आपको वाइट रूफ। इस तरीके से आपको 3 कलर में ड्यूअल टोन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसके बोनेट की नीचे की बात करें तो आपको इसमें जो इसका इंजन है वो पूरी तरह से अपग्रेड किया गया है। तो इसमें आपको जो डिज़ायर और जो बलेनो का जो इंजन आता है 1.2 लीटर का, उसका आपको इंजन देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको जो इसका इंजन है वो आपको 90 PS का पावर जनरेट करता है और 113 नैनोमीटर का टॉर्क जनरेट करता है। दोस्तों, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। तो आपको इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा इसमें देखने को मिल जाती है, यानी कि 2-3 किलोमीटर के समथिंग इसमें फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई है। तो वो कैसे हुई है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसमें आपको जो आइडियल स्टार्ट और स्टॉप इंजन का जो फीचर आता है वो आपको देखने को मिल जाता है। इस फीचर में ऐसा होता क्या है कि ये जो फीचर होता है वो जब आप कार रोकते हो तो अपनी आपकी जो कार है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। फिर हम बात करें तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कितनी इंक्रीज़ हुई है, तो आपको इसमें फ्यूल एफिशिएंसी पहली अभी की जो कार है उसमें आपको 21.21 KMPL देखने को मिलती है, और अभी जो न्यू कार आने वाली है फेसलिफ्ट उसमें आपको 23.2 KMPL देखने को मिल जाएगी। तो ये जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में देखने को मिलेगी, यानी कि दोनों में सेम आपको जो एफिशिएंसी है वो देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैनुअल में तो हम कह सकते हैं कि ठीक है बढ़िया है, लेकिन ऑटोमेटिक में इतनी मिल रही है यानी कि बहुत ही अच्छी आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी है ऑटोमेटिक मॉडल में हिसाब से देखें तो बहुत ही अच्छी आपको जो एफिशिएंसी कह सकते वो देखने को मिल रही है। अभी हम बात करते हैं आपको इसमें जो सेफ्टी फीचर है वो आपको कुछ और ऐड किए गए हैं। तो सेफ्टी फीचर आपको क्या क्या नए देखने को मिल रहे हैं, इसमें आपको हील होल्ड असिस्टेंट देखने को मिलता है। जो हील होल्ड असिस्टेंट है वो आपको ढलान वाले रास्ते पे आपकी कार को पीछे नहीं आने देता है, जिसकी वजह से आपका पीछे की गाड़ी से आप टकरा ना जाओ, इसके लिए ऐसा आपको हील होल्ड असिस्टेंट है वो आपको देखने को मिल जाता है।
जो फिर नेक्स्ट है वो है ESP यानी कि इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको सिर्फ जो AMT वेरिएंट आता है ऑटोमेटिक उसमें ही आपको देखने को मिल जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है वो है ड्यूअल एयरबैग इन फ्रंट, यानी कि आपको फ्रंट में आपको ड्यूअल एयरबैग्स देखने को मिलेंगे, जो कि आई थिंक पहले आपको देखने को मिलते थे, तो कुछ एयरबैग में आई थिंक चेंज किया गया होगा, इसमें आपको एयरबैग तो देखने को ही मिलेंगे। फिर जो नेक्स्ट है आपको रियर में पार्किंग सेंसर देखने को मिलेगा, ABS विथ EBD वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आइसोफिक्स जो चाइल्ड सीट आती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। फिर आपको रियर में पार्किंग कैमरा आता है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये सारे चेंजेस आपको जो सेफ्टी फीचर है उसको लेके किए गए हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो इसका कंफर्ट, तो आपको इसमें कंफर्ट में भी आपको बहुत सारे अपडेट किए गए, यानी कि कुछ लेवल तक आपको इसका कंफर्ट भी बढ़ा दिया गया है। तो इसके कंफर्ट में आपको मेनली तीन आपको जो चेंज देखने को मिल जाएंगे। जो फर्स्ट है वो है आपको इसमें क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, यानी कि पहले क्रूज़ कंट्रोल नहीं था, अब इसमें क्रूज़ कंट्रोल ऐड किया गया है। तो एक हाईवे कह सकते हैं ना कि जब आप हाईवे पे लॉन्ग जर्नी करते हो, लॉन्ग ड्राइव करते हो, तब ये क्रूज़ कंट्रोल बहुत ही काम आता है। फिर आपको देखने को मिल जाएगा ऑटो फोल्डिंग ORVMs, तो जो ORVMs है वो आपको पहले ऑटो फोल्डिंग नहीं मिलते थे, अब ये है ORVMs आपको ऑटो फोल्डिंग देखने को मिलेंगे। फिर आपको देखने को मिलेगा जो MID होती है वो आपको कलर MID देखने को मिलेगी, जो कि 42 इंच की आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, यानी कि MID अब आपको कलर देखने को मिलेगी। पहले सिर्फ वो कहते हैं ना ब्लैक एंड वाइट जो होता है वो सा देखने को मिलता था, अभी आपको कलर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अभी हम बात करते हैं इसकी प्राइस में आपको मेन क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। मेनली इसकी प्राइस सबसे ज़्यादा कह सकते हैं ना अफेक्ट करती है प्राइस, तो वो आपको कौन से वेरिएंट में कितना आपको देखने को मिलता है वो मैं आपको मेरी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें आपको जो ओवरऑल हम बात करें तो आपको इसमें 25,000 का जो पैसों है, जो पैसा है हमारा, उसका इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि 25,000 रुपये तक का इसमें बढ़े हैं पैसे पर इसकी प्राइस। इसमें आपको मेनली चार वेरियंट देखने को मिलते हैं, LXi, VXi, ZXi और ZXi+। तो जो LXi है उसका न्यू मॉडल ओल्ड मॉडल में आपको 24,000 रुपये तक जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर जो VXi है, VXi में आपको 17,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर जो ZXi है, ZXi में आपको 21,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर जो ZXi+ है, तो ZXi+ में आपको 19,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। फिर जो VXi AMT वेरिएंट है, जो VXi का ऑटोमेटिक वेरिएंट है, उसमें आपको 20,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है वो ZXi AMT वेरिएंट, तो इसमें आपको 24,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और जो ZXi+ AMT है, ZXi+ ऑटोमेटिक वेरिएंट, तो उसका आपको 25,000 रुपये तक का जो है इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि और आपको इसमें 25,000 रुपये तक का जो इंक्रीमेंट कह सकते हैं वो आपको देखने को मिल रहा है। ये सारे प्राइजेज आपको जो डेली के एक्स शोरूम के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बस यही कुछ पांच टॉपिक थे जिसके आपको न्यू और ओल्ड में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ये सारे के सारे है वो कन्फर्म है, ऐसा नहीं है कि इसमें से लॉन्च होगा तो इसमें चार पांच निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे कन्फर्म है। इसमें कुछ और अगर लॉन्च होगा तो कुछ और आई थिंक ऐड होगा, लेकिन ये तो कन्फर्म ही है। तो बस यही कुछ पांच थे जो आपको डिफरेंस मेनली देखने को मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।